next one, calculating power for given value of a and b, means a to the power b. Suppose that first case, first of all, before discussing about source code, we want to discussing about logics. First one, there are first two variables hain, a and b. If entered value of a is 2 and entered value of b is 4, then iska equivalent meaning perform kya karana hai, a to the power b. A to the power b is equivalent to a is 2 and b is 4. It is equivalent to 2 to the power 4. 2 to the power 4 calculate karne ke liye means simply 2 ka multiplication 2 se kitni baar hoga. Suppose that the 2 ka power 2 calculate karna, then 2 ka 2 se hi kitni baar multiplication hoga, 2 times. Agar power 3 hai, then is case mein calculate means 2 ka 2 se multiplication kitni baar hoga, 3 times. Agar power 3 ke place par 4 use ho raha hai, b ka value kya 4, 4 ke case mein 2 ka multiplication kitni baar hoga, 4 times. Finally iska result kya raha, equivalent to 16. This is expected result for given values and a and b. Next one, suppose that we are entering value of a is 3 and we are entering value of b is again 4, like that. In next case iska meaning kya raha, means a is 3, 3 to the power 4. Again, previous case में power 2 के लिए calculate करना था, इसलिए every time multiplication किसका कराया था, 2 का, कितनी बार, 4 times, क्यों power कितना था, 4, इस case में again multiplication किसका हुआ, 3 का, but power 4 इसलिए कितनी बार multiplication होगा, 4 times again, 3 multiply by 3, in that case, result क्या है इसका, I think 81, 3 multiply by 3 is 9, 9 multiply by 3 is 21, sorry, 27, 27 multiply by 3 is 81. Similarly, suppose that we are entering 5 to the power 3, in that case, is a ka value kya hai 5 and b ka value kya hai 3. Is case mein agar aap calculation kao, to multiplication kiska ho 5 ko, but how many times? 3 times, kyun power kitni baar calculate karna, 3 times, isliye every time 5 ka multiplication 5 se kitni baar, 3 times, 5 multiply 5 is 25, kya aayega is case mein, 25, then again 25 ko 5 se multiply karein, then result kya aayega, 125, final result is 125. Is case mein agar observe karein, to is case mein सीरीज मींस फर्स्ट केस, सबसे पहले इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सीरीज के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, जिससे आपके लिए लूप इजीली मेंटेन करना पॉसिबल. सीरीज के अकॉर्डिंग फर्स्ट वन चेक करो, फर्स्ट केस में लूप कितनी बार चल रहा है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, एज्यूम कर लो इसका मल्टीप्लिकेशन किस हो रहा है एवरी टाइम 1 से, तब इसका मीनिंग कैसा रहेगा, सेम फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किस हो रहेंगे, मल्टीप्लाई 2 1 एंड 2, इसका रिजल्ट नेक्स्ट टाइम किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, इसका रिजल्ट अगेन नेक्स्ट टाइम किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, अगेन किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, मींस प्रीवियस रिजल्ट एवरी टाइम न्यू, मींस बार-बार मल्टीप्लाई किस हो रहा है a से, सेम है फर्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन किसका हो रहा है 1 एंड 3 का, नेक्स्ट टाइम रिजल्ट जो प्रीवियस रिजल्ट है मल्टीप्लाई किस हो रहा है 3 से, प्रीवियस रिजल्ट मल्टीप्लाई किस हो रहा है 3 से, सेम है इन दैट केस. फर्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन किससे कराना, जब लूप का फर्स्ट टाइम इटरेशन होगा देन 1 एंड 5, जब सेकंड इटरेशन होगा देन प्रीवियस रिजल्ट प्लस 5, थर्ड इटरेशंस के केस में दैट वन. तो टोटल इटरेशंस कितने होंगे, फर्स्ट केस में रिक्वायर्ड इटरेशंस कितने हैं, मींस इन दैट केस 1 देन 2 3 4, मींस इस केस में नंबर ऑफ इटरेशन लूप कितनी बार एग्जीक्यूट कराना है, लॉजिकली 4 टाइम्स. इन दैट केस अगेन 1 2 3 4, इस केस में लूप कितनी बार इटरेट हो रहा है 4 टाइम, बट इन दैट केस पावर 3 है देन लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है ओनली 3 टाइम्स, मींस इस केस में लूप कितनी बार मैनेज करनी नीड है, डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ v. फर्स्ट दोनों केसेस में b का वैल्यू क्या है 4 4, इसलिए लूप कितनी बार चल रहा है 4 टाइम, और लास्ट केस में b का वैल्यू 3 है इसलिए लूप कितनी बार चल रहा है 3 टाइम्स. फाइनली इस केस में लूप कहां से चलाना है, फ्रॉम 1 टू b. इसे इनिशियली सबसे पहले लूप मैनेज करेंगे फॉर अ गिवन रेंज 1 टू b, देन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस void main, वेरिएबल डिक्लेरेशंस वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड है, समथिंग इंटीजर a कॉमा b कॉमा, लूप को मैनेज करने के लिए यूज क्या करेंगे एवरी टाइम i, प्लस रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या है सम एक्स्ट्रा वेरिएबलाइज्ड रिजल्ट. इनिशियली मींस इनिशियली एवरी टाइम 1 से मल्टीप्लिकेशन करना, इसलिए रिजल्ट का इनिशियल वैल्यू यूज करेंगे एज अ 1. नेक्स्ट स्टेप रीडिंग इनपुट्स, इनपुट्स के केस में वैल्यू किसके लिए रीड कराना है, a एज वेल एज b.
इसलिए यूज क्या करेंगे, एंटर टू नंबर एंड एंटर ए कॉमा बी, देन स्कैन एफ, स्कैन एफ के थ्रू डेटा किसके लिए रीड कराएंगे, ए एंड बी के लिए, परसेंट डी एम परसेंट ऑफ ए कॉमा एम परसेंट ऑफ बी। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट वाज जस्ट कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे, मैं टू के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ करंट इन दैट केस। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है इस केस में, 16। इन दैट केस फर्स्ट वन मल्टीप्लीकेशन किसका हो रहा है, वन एंड टू का, वन किस में स्टोर है रिजल्ट में, टू किस में स्टोर है ए में। मीन्स जस्ट जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, वेरिएबल्स कितने क्रिएट हो रहे हैं, फोर वेरिएबल्स वी आर डिक्लेयरिंग, प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस ए बी रिजल्ट और आई, ए कॉमा बी कॉमा आई कॉमा रिजल्ट, इनिशियल वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज वन। इन दैट केस लूप एक से लेकर कहाँ तक चलाना है, फोर तक, मीन्स वन टू फोर। मीन्स यहाँ वन टू फोर का कोई मतलब नहीं, मीन्स फाइनली बी का वैल्यू क्या है इस केस में, सपोज जैसे स्कैन एफ फंक्शन ने एग्जीक्यूट किया, इस केस में एंटर किया वैल्यू ऑफ ए इज टू, वैल्यू ऑफ बी इज फोर, ए का इनिशियलाइजेशन किससे हुआ टू से, बी का इनिशियलाइजेशन किससे हुआ फोर से। तो इस केस में फाइनली लूप कहाँ तक चलाना है, वन टू बी, मीन्स फोर लूप मैनेज करेंगे, फोर I इक्वल्स टू, इस सीरीज में I का इनिशियलाइजेशन किससे कराएंगे, सिंपली वन से एवरी टाइम, क्योंकि आपको सिंपली मैनेज क्या करना है, ओनली लूप नंबर ऑफ इटरेशन, जिससे ऑपरेशन बार बार परफॉर्म कराना पॉसिबल हो। I लेस देन इक्वल्स टू B, I प्लस प्लस, क्योंकि सीरीज में डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है, एग्जैक्टली वन का। नेक्स्ट वन, रिजल्ट को कैलकुलेट करने में फर्स्ट टाइम मल्टीप्लीकेशन किसका, रिजल्ट टू मल्टीप्लाई बाई I, इसलिए यूज क्या करेंगे इस केस में, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई आई, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई आई, आई के प्लेस पर यूज क्या करेंगे, आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम बना है तो इसलिए वन से मल्टीप्लाई, सेकेंड टाइम टू, नेक्स्ट टाइम थ्री, इसलिए बार बार मल्टीप्लिकेशन किससे हुआ, वन टू थ्री फोर, जबकि मल्टीप्लीकेशन एवरी टाइम किससे कराना है, टू से एवरी टाइम टू, और टू किस में स्टोर है ए में, इसलिए यूज क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई ए फॉर अ गिवन नंबर। नेक्स्ट, फाइनली जब इस लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, रिजल्ट ऑलरेडी अवेलेबल किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल रिजल्ट, चेक करने इस केस में लूप चलाना स्टार्ट करेंगे, जैसे लूप चले इस केस में आई का वैल्यू इनिशियलाइज किस हो जाएगा, वन से, आई इज इनिशियलाइज्ड बाय वन, फर्स्ट टाइम कंडीशन टेस्टिंग, आई लेस देन इक्वल्स टू बी, करंटली बी का वैल्यू क्या है फोर और आई का वैल्यू क्या है वन, वन लेस देन इक्वल्स टू फोर कंडीशन इज ट्रू, ट्रू देन परफॉर्म क्या हुआ, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई ए, रिजल्ट का वैल्यू क्या करंटली वन, ए का वैल्यू क्या है टू, फर्स्ट टाइम परफॉर्म क्या हो रहा है वन मल्टीप्लाई बाई टू, रिजल्ट क्या आएगा इसका टू, टू इज असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट अगेन, नाउ वैल्यू ऑफ रिजल्ट बिकम्स टू। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस, आई बिकम्स टू, देन कंडीशन टेस्टिंग, टू लेस देन इक्वल्स टू फोर कंडीशन इज अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू, फिर से सेम एक्सप्रेशन यूज करें, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई ए, रिजल्ट का ऑलरेडी प्रीवियस वैल्यू क्या था टू, इस प्लेस पर क्या आ जाएगा टू, मीन्स सिंपली टू मल्टीप्लाई बाई ए, ए का वैल्यू अभी भी क्या है टू, इसलिए इसके अगर टू मल्टीप्लाई टू इज फोर, फोर अगेन आसानी किस में जाएगा वेरिएबल रिजल्ट में, इसलिए रिजल्ट का वैल्यू क्या हो चुका है फोर। नेक्स्ट टाइम अगेन आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा थ्री, कंडीशन टेस्टिंग, थ्री लेस देन इक्वल्स टू फोर कंडीशन अगेन ट्रू, देन बॉडी एग्जीक्यूशन, जो प्रीवियस मल्टीप्लीकेशन हैं, प्रीवियस मल्टीप्लीकेशन क्या है वन मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, इसका रिजल्ट क्या आया था लास्ट केस में, रिजल्ट अभी रिजल्ट में स्टोर है फोर, मल्टी मीन्स रिजल्ट के प्लेस पर क्या आ जाएगा फोर, और इसका मल्टीप्लाई अगेन किससे हो रहा है ए से, ए मीन्स टू, किससे हो रहा है टू से, क्या आएगा इस केस में सिंपली फोर मल्टीप्लाई बाई टू इज एट, असाइन टू द रिजल्ट, रिजल्ट बिकम्स एट, अगेन आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा फोर, कंडीशन टेस्टिंग, फोर लेस देन इक्वल्स टू फोर कंडीशन इज अगेन ट्रू, ट्रू है तो फिर से एग्जीक्यूट कराएंगे बॉडी, रिजल्ट का वैल्यू क्या है एट, मल्टीप्लाई ए का वैल्यू क्या है टू, सिक्सटीन, असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट, वैल्यू ऑफ रिजल्ट बिकम सिक्सटीन। मीन्स इस केस में फर्स्ट टाइम मल्टीप्लीकेशन किसका हुआ दैट वन, इसका प्रीवियस किसका मल्टीप्लीकेशन क्या था एट रिजल्ट, देन इसका मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट टाइम किससे करा ए से, ए का वैल्यू एवरी टाइम टू था, मीन्स दैट वन, मीन्स ये सीरीज कंप्लीट हो चुका, लेकिन सीरीज एग्जीक्यूट कितनी बार हुआ वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स। इसके जस्ट वन नेक्स्ट टाइम जब आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव, कंडीशन टेस्टिंग, फाइव लेस देन इक्वल्स टू फोर कंडीशन बिकम फॉल्स, कंट्रोल लूप से बाहर आएगा, देन डिस्प्ले क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ रिजल्ट,
करंटली पावर का जो भी रिजल्ट कैलकुलेट हुआ है, रिजल्ट किस वेरिएबल में मैनेज किया था, इनसाइड वेरिएबल रिजल्ट, इसलिए डिस्प्ले भी क्या कराएंगे, वैल्यू ऑफ रिजल्ट। दिस इज द कंप्लीट सोर्स कोड फॉर कैलकुलेटिंग पावर ऑफ एनी वैल्यूज़।